ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हुए आज मैं घुटना दर्द को किस प्रकार से ठीक किया जाता है और घुटना दर्द आजकल हर घर घर में पांव पसार चुका है, इसलिए घुटना दर्द को ठीक करना हम सबका कर्तव्य है और दायित्व भी है। तो आइए, आज हमारे पास बहन जी आई हैं और इनको घुटना में भी दर्द है और अलग अलग जोड़ों में भी दर्द है। तो आज मैं घुटना दर्द को कैसे ठीक करते हैं उन सारे स्टेपों को मैं बताऊंगा। दोनों पैर को सटा दीजिए, सांस भरते हुए पैर को अपनी तरफ ले आइए, पूरा तानी सांसों को छोड़ते हुए आगे खोल लीजिए। पूरा आगे दाबिए, इसको पहले भी कर ली तो बताऊंगा उसको, यहाँ भी दर्द है। अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा यहाँ लगा दीजिए, पूरा पांच बार आगे और पांच बार पीछे करो, पूरा चापी आगे पूरा पीछे ले आइए। आप देख सकते हैं पूरे आगे की तरफ सांस छोड़ते हुए और सांस भरते पीछे की तरफ ले आइए, तानिए पूरा पूरा पीछे पीछे, जहाँ खींचा रहा है ना, जहाँ को खींचा आ रहा है रोक दीजिए अभ्यास। अब अगला अभ्यास क्या करना है, ये जो घुटना है इसको खींचना है, ऐसे खींचिए, ढीला करना, हाथ नहीं लगाना है, हाथ तो नहीं रहेगा, इस प्रकार से खींचते हैं, ढीला करते हैं, उठाना नहीं है, ठीक है। घुटना को खींच रहे हैं और घुटना के ऊपर की मांसपेशियां और नीचे की मांसपेशियां में खींचा हो रहा है। अब इसके बाद 10 बार जब हो जाए तो क्या करना है, किसको लगाते हैं नीचे, रखिए दोनों को एक साथ, एड़ी के नीचे एक तकिया लगा लेते हैं और उठाई दो, और उठाई, अब घुटने को नीचे दबाना है, हल्का दबाव एड़ी पर लगाना है, एड़ी से समझिए कि तकिए को प्रेशर दे रहे हैं, दबा रहे हैं, तो अपने आप यहाँ खींचा हो रहा है ना, सांस छोड़ते हुए दबाइएगा फिर ढीला कर दीजिएगा, फिर दबाइएगा ढीला करिएगा, ये 10 बार करना है, कुछ आप यहाँ दबाव बनेगा, काम वहां हो रहा है दबाव यहाँ बन रहा है, एक बार घुटना दर्द हो जाए छोड़ना है, केवल एड़ी को दबाना है, पैर आगे पीछे नहीं करना है, एड़ी से नीचे चापना है, यहाँ पर दबाव बन रहा है, बन रहा है जा रहा है, ठीक चापी नीचे सब हो जाएगा, सूजन का हो जाएगा, इसमें सूजन है, देख घुटना दर्द अगर सूजन होना ही होना है। अब क्या करना है, ये 10 बार जब हो जाए तो इसको हटाइए, अब इसको इसके नीचे लगाना है यहीं पर, ठीक, अब तकिए को घुटने के ठीक नीचे लगा दिए, अब इसको उठाइए, एड़ी को चापी कस के दबाइए, यहाँ चापना है, ये एड़ी उठ जाए, ठीक है, रोकिएगा सांस को फिर ढीला कर दें, नीचे जाने दीजिए पैर को, आप सांस छोड़ते हुए फिर दम लगा के खींचिए, सांस भरते हुए ताकत के लिए, ये चापना है तकिया, यहाँ तकिया पर होना चाहिए। घुटना दर्द ठीक करने का बहुत साधारण सा सिस्टम है, ये जो कटोरी है, कटोरी के ऊपर वाले मांसपेशियों को कटोरी के नीचे वाले मांसपेशियों को हम मजबूत कर देते हैं, यानी धरण मजबूत हो जाता है तो बीच का भाग अपने आप ठीक हो जाता है। यदि इसके अंदर का ग्रीस भी सूख रहा है, लिगामेंट में किसी प्रकार का खिंचाव टूट फूट हो रहा है, उससे घुटना दर्द हो रहा है, चोट लग गई हो, सूजन हो गया हो, या उम्र के हिसाब से बुढ़ापा के कारण घुटना में दर्द आ रहा हो, तो इस अभ्यास को करने से ठीक हो जाएगा। चापिए,
घड़ी उठा लीजिए पूरा, फिर दाम मार दिल्ली भी गई, यही ठीक हो जाइएगा। दिल्ली दो जगह कहाँ कहाँ गए? एक जगह है, इसको करते रहिएगा मैक्स में, मैक्स में जाए फिर दमाग बोले कि हम अपना वाला में ले जाकर दिखा देते हैं। श्यामा कुमारी जी बैठी हैं और ये दिल्ली में कई जगह अस्पतालों में घूम करके और डॉक्टरों ने इनको कहा कि ग्रीस सूख गया है, ये बोला हड्डी में हड्डी लड़ रहा है। ये ना डॉक्टर लोग यही बोलता है, घुटना का ग्रीस सूख गया है और हड्डी में हड्डी लड़ रहा है, कट कट की आवाज आ रही है, कैद बदलना पड़ेगा। अब देखिए कैसे इनका घुटना दर्द यहाँ आ गई है योग केंद्र में और कैसे ईश्वर की कृपा से उठाते रहिए इसको, क्योंकि ईश्वर की कृपा होना बहुत जरूरी है। उसके लिए यम नियम का अपने जीवन में धारण करना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यम के भी करते रहिए इसको। पांच भेद हैं सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, नियम के भी पांच भेद हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये दसों सूत्र को जब तक अपनाइएगा नहीं तब तक घुटना दर्द ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा व्यवहार हमारा सोच हमारा खान पान हमारा चरित्र सबका असर घुटना दर्द पर जुड़ा हुआ है। नीचे करिए फिर उठाइए, जो हुआ है जो कुछ हो चुका है भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से सब सही हो रहा है, उसको भूल जाना है और वर्तमान को सही करने के लिए कर्म करना शुरू कर देना है। अब क्या करना है इसको निकाल, अब क्या करिए इस एक पैर को उठाइए, यहाँ पकड़िए हाथ को पकड़िए उठाइए पानी बस बस रुके रहिए, यहाँ दबाव बनाइए नीचे, ठेवना को नीचे दबाना है इसको ऊपर उठाना है, ठीक है रोके रहेंगे 5 सेकेंड फिर धीरे नीचे कर देंगे, डाउन करिए थोड़ा सा हल्का फिर ऊपर उठाए। घुटना दर्द के लिए और कमर दर्द के लिए और गर्दन दर्द के लिए हमने एक अभियान छेड़ रखा है कि यदि आप भोजपुर जिले के वासी हैं, यदि आप आरा शहर के निवासी हैं तो आप घबराइए नहीं, आप ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार गति पे प्रांगण में आइए और मेरे साथ जुड़ करके दर्द निवारक दर्द नाशक जो क्रांतिकारी अभियान हम लोगों ने छेड़ा है उस अभियान का हिस्सा बनिए और धीरे धीरे दर्द से मुक्ति पाइए। बहुत सुंदर खींचिए इसको लगाम की तरह, घोड़े की लगाम को खींचते हैं उसी प्रकार खींचना है, ये तो खींच रहे थे अरे वो भी खींचाएगा धीरे धीरे, एक बार थोड़े खींचाएगा। अब पैर बदलिए, अब देखिए अब इनका उसमें सूजन है क्या, यहाँ पर ये है ना सूजन, अब यहाँ पकड़िए उठाइए थोड़ा ये, हाँ ये घोड़ा है, अब घोड़वा को खींचना है, ये लगाम है चापी है, सूर्य देव का ध्यान करिए, ये सूर्य देव वाला घोड़ा है सूरज बाबा वाला, हे छठी मैया कल्याण करिए, क्योंकि धीरे धीरे अब कार्तिक महीना भी आने वाला है, फिर धीरे धीरे नीचे का ध्यान करना पड़ेगा छठी मैया का सूरज बाबा का चंद्र देवता का सभी दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हुए अभ्यास को करिए। आज मैंने घुटना दर्द को किस प्रकार से बैठ करके इन छोटे छोटे अभ्यासों के द्वारा, देखने में तो बड़ा हल्का अभ्यास है लेकिन लाभ इसका इतना जबरदस्त है कि आप अभ्यास करते रहिए और लाभ पाते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा कि घुटना दर्द बार बार काटा करते हुए निकल जाएगा शरीर से और आप मस्ती के साथ आनंद के साथ जीवन जी सकेंगे। आपकी उम्र कितनी होगी? 64 साल। देखिए 64 साल को आयुर्वेद में जवान कहा गया है, समझ गए? आप वही 40 साल में लग रहा है कि कहानी खत्म हो रहा है ऐसा ना,
आपको लग रहा हो कि आपका घुटना दर्द ठीक हो गया। दैनिक क्रिया में दिक्कत है, लेटिन जाना, उठना, बैठना, कहीं चलना फिरना, इतना तकलीफ है। अच्छा, बैठने के लिए सोचिए कि सब्जी नहीं काट पाएंगी, बाल्टी मारता चक्कू मुके बैठ कर। याद रखिएगा सावधानी, पीछे मोड़ने वाला अभ्यास नहीं करिएगा भूल करके, ठीक है? ऊपर उठाने वाला हो जाएगा लेकिन पीछे की तरफ घुटना मोड़ने वाला अभ्यास नहीं करना है। इसको मैं दिखाता हूँ क्या नहीं करना है, पहले इसको गिफ्ट दे दीजिए, उठाइए मोड़िए इसको। घुटना दर्द में आपको सावधानी बरतना है, पैर ऊपर उठ जाएगा, रुक जाइए, पैर ऊपर उठ जाएगा लेकिन इसको मोड़ करके उठाइए मोड़िए, ये मोड़ने वाला अभ्यास नहीं करना है, ऐसे ऐसे वाला, ठीक है? ये अभ्यास अभी नहीं करना है, मैं धीरे धीरे इसको करवाऊंगा, अभी ऊपर की तरफ तानने वाला अभ्यास करना है। तो आप सभी को इस वीडियो को देख करके अच्छा लगा होगा और इसको आप करते रहेंगे स्टेप को। तो ये कई स्टेप हुआ है, इसको 10 राउंड करना है, घुटना दर्द ठीक करना है, तो वहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करिए। अब दूसरे राउंड की तरफ मूव करिए, 10 बार आगे पीछे, फिर इसको तकिया लगा के नीचे, फिर यहाँ तकिया लगा के नीचे, ठीक है? उसको दोहराना है। तो आइए ब्रिज मोहन योग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।